his new jersey number 10 and second jersey number 5 and Biklum jersey number 9 and Lepa jersey number 7 अतिरिक्त प्लेयर भावरे गोलकीपर डर चुके हैं संचालक कमल भानो किस को राफरी घड़ी के ऊपर भी बिल्कुल नहीं गए लेकिन साथ साथ यहां भी लंबा ही सील की आघात दे चुके हैं संचालक मुख्य संचालक कमल भानो किस को और इसी के साथ पहला किक को पता हुआ बाबा पिलचू यूथ क्लब कटक की ओर से कटक से अच्छा हेडर लेकिन उतना ही अच्छा नहीं कि खतरा को टाल सके और जाते जाते गेम गोलकीपर को कड़ा इम्तिहान लेने का समय आ गया यहाँ पे लेकिन बाल पाल बचे लेकिन गोल को बचाया जरूर लेकिन यहाँ पे कॉर्नर किक को बचा नहीं पाए आज जिसको हम पांच और सेकंड वाओ एक से बढ़कर एक यहाँ पे सितारे मौजूद हैं टीम डीसी चंडील एफसी बनाम बाबा पिलचू यूथ क्लब कटक के बीच मैच जर्सी नंबर 7 थोड़ा सा माइनस किया गोरा चांद के लिए गोरा चांद ने थमा जर्सी नंबर 3 डीसी चंडील जर्सी नंबर 10 मानरूस के लिए मानरूस जब तक पाए तब तक यहाँ पे सेंटर स्ट्राइकर को सोचा अच्छा तो आशा से सोचा था कि दिया जाए बाबा पिलचू यूथ क्लब कटक बहुत ही बढ़िया शॉट नहीं थी जड़े जी आम देखे 2006 गोटे महान वर्ल्ड कप फाइनल जिनेदी जिदान को मने मने पड़े थी वो खिलाड़ी को देखा पर लोकाल जिनेदी जिदान ही कही पारे जर्सी नंबर 7 किंतु जर्सी नंबर 7 रे नजर आसुचंती बाबा पिलचू यूथ क्लब जर्सी नंबर 7 को जदि देखा जाए लेपा ओ लेपा लेपा के दो अगेन शॉट एंड लास्ट रेडी टच इन द डिफेंडर एवं पुनः गोटी कॉर्नर की गिरो चांस नवे दुई दल जाके रजत भाई मु कही भी प्रथम कॉर्नर की कंसीड करी थी जे के सुजोग नहीं थी डीसी चैनल एवं विपक्ष टीम को जदि देखा जाए कम से कम नहीं ये मध्य गोटे कलर ठीक रो एडवांटेज नहीं थी ओ हेडर गोरा चांद मारानी इनसाइड द फ्लैंटिंग रो आउटसाइड द फ्लैंटिंग रो जर्सी नंबर 14 पूरा खलबली मचता हुआ मैदान वो इनसाइड द फ्लैंटिंग में लेकिन अरे बकर ने खतरा को टाला किया फिर से गए में जमा पिलचू और लेपा की हेडर लेकिन उनसे पहले झंडा रेज आया नहीं लेकिन जाते जाते यहाँ पे फाउल कर करार देते हुए संचालक कमल भानु केस को दो खिलाड़ी के बीच भले रकम टकरार देखने को मिला लेकिन इस समय जीत मिलेगा डिफेंडर को डीसी चंडील डीसी चंडील के पास गेम को थमाया राइट विंगर मानरूस के लिए लेकिन मानरूस में थोड़ा सा पीछे रह जाएंगे गेम से गति से यहाँ पे बीट होते हुए बॉल में आखिर से गोरा चांद की लगा डारे हल्का सा क्रॉस जर्सी नंबर 8 बाबा पिलचू यूथ क्लब कटक कटारे के निथो बॉल में ना माइनस पास है फिर से लिफाफ डिफेंडर जर्सी नंबर 14 नंबर मेघराज टिकने अपने समय टिकने कटा कर सिद्ध उछाल बारा शॉट सनबो करे अटाकर बलू को आज सहज थे गोलकीपर के सामने दिया बोधे हसदा थे के आज डिफेंडर फिर से राजा माझी कर लिफाफ डिफेंडर डीसी चंडील पूर आइकन चार्ट पर ताल बेल पर जलम हो करना साथ कंट्रोल हो दरकार करना जनम से अब वो तीन साधु मार नीति के ना रफ्तार में ताल जल हुई करना जहाँ से मयर पहुंच हनोतर लिंग में टांग लंबा रेसरिंग घोड़ा और जोतो कौन आयमा आयमा फुटबॉल लवर को फॉयर किंग प्लेयर आठ जर्सी नंबर 13 डीसी चैनल ओहो बाबा और यहाँ पर 100% है होंडा यार के साथ गेंद तसराने से बाहर गया था जिसके चलते गेंद कॉर्नर किक को कंसीड किया है डीसी चंडील लेकिन कोई किसी से कम नहीं सिल्वर सिटी कटक के सामने डीसी चंडील ओडिशा और सरगन के बीच हुए के कमाल कब कब जर्सी नंबर 7 लेफा शानदार क्रॉस किया यहाँ पर लेफ्ट विंगर के लिए जर्सी नंबर 10 लेफ्ट विंगर शॉट टारगेट के लिए लेकिन यहाँ पर
शायद किस्मत मेहरबान हुई है और गेंद दो लाइन से बाहर। और चौथा इस मैच की अगर बात किया जाए, चौथा मौका है जो कि निश्चित रूप से कर्नर के यानी कि प्लाट किक आगे की ओर बढ़ा पाएंगे। शानदार टॉस, साधु, ओहो साधु निराश होंगे। साधु ने गेंद को होल्ड करने के लिए प्रयास किए थे लेकिन उससे पहले अपोनेंट टीम के खिलाड़ी ने गेंद को बाहर किया। और इस साधु का जादू देखना पड़ेगा यहाँ पर क्या चलेगा। साधु का जादू स्किल है ये इस प्लेयर के पास, इस बंदे में दम है लेकिन ग्राउंड में काम करना पड़ेगा, बंदे को दम दिखाना पड़ेगा। और कहते कहते इधर से नंबर थ्री यहाँ पर लखमान लोहार। और साधु के लिए दो दो खिलाड़ी को आसान मौका हो सकता है। पेनाल्टी जोन से गेंद को छोड़ दिया, ओहो निराश होंगे खुरासान मार्टी। और अगर बात किया जाए जो कि एक बहुत ही पुराना प्लेयर, अगर बात किया जाए खुरासान के बारे में तो यहां पर धीरे धीरे गेंद के साथ आगे की ओर मारने के प्रयास किया गया है। बाबा पिल्सू यूथ क्लब है, तीन तीन बार अटैक किया लेकिन अभी तक सफलता शून्य है टीम बाबा पिल्सू यूथ क्लब है कटा के। लेकिन यहां पर हेडर के माध्यम से रणजीत, अरे रणजीत मारने के लिए गए। रणजीत के पास स्किल है, शूटिंग में ताकत है। कप्तान कप्तान बारी खेलना पड़ेगा। लक्ष्मण के लिए गेंद को बाहर किया गया। अरे लक्ष्मण इसी के साथ फिर से साधु को ढूंढ लिया। साधु क्या यहाँ पर गेंद को कंट्रोल कर पाएंगे। बांड्रूस के गोल में सिर्फ दो दो स्ट्राइकर को यहाँ पर बुलाया गया, बांड्रूस और साधु को यहाँ पर बुलाया गया जिसको देख के पास ऑप्शन में है लक्ष्मण लेकिन ब्लॉक किया गया। पवन शुक्ला पे और यहाँ पर लेपा रफ्तार है। नौजवान खिलाड़ी उनके पास वो टैलेंट है और जिस स्किल का जो टैलेंट है ना उसके पास से खूट खूट कर बड़ा है। लेकिन कहते कहते यहाँ पर धीरे धीरे ओपोनेंट टीम हाफ वे लाइन के नाथिक क्षेत्र से गेंद को आगे की ओर बढ़ाने के प्रयास। जैसे नंबर एक जरा के लिए यहाँ पर गेंद और जाना बाकी लेकिन शानदार बचा गोलकीपर ने। आसान करके दिखाया यहाँ पर, आसान नहीं था लेकिन आसान करके दिखाया। चौथा अटेम्प्ट लेकिन चौथा अटेम्प्ट में भी निश्चित रूप से निराश किया टीम बाबा पिल्सू एफसी कटक को। बिल्कुल भाभी अडे बस राहुल रजत बबू तो बेनो मैच रे हरि हजार हजार रे नचला आनंद जिले का बढ़ावा करना मैच रे ना रोमांच का बढ़ावा करना कोई जैसे कटक को मोबागा बड़ा होड़ के पुरकाना भेंटा रे ना मेंटन टकर के नहीं है करना जहां मुझे लेकिन आशीर्वाद लगे लील में साहेब चेकते उनकी टीम दो बाबा पिल्चू युद्ध क्लब कटक। और जहां से हरियर दतो है दे चेकते बिना अगर किना सेदाई पहिल खन को बनाया कर किन टीम झटकांड रे एक नंबर टीम डीसी चंडी आठ साउथ एक कड़क ओडिशा भीतर रे नवा मैच रंजित मारने दिखना हल्का सा लूपिंग बॉल जर्सी नंबर 10 मारूस लगाए मारूस बॉल खेल उठवा का लेगा पाटा से गफा सकिन बड़ा चांद बार बार बेट अरे बोल पे एक फिर से जर्सी नंबर 8 कौन लेफ्ट विंगर जर्सी नंबर 4 टीम डीसी चंडी। गेम रे रंग गतिविधि रे बेटो अखिन बॉल से गोल लाइन धारे गाड़ी बहुत भाव रे सलमा बॉल को रख दिले रंजित मारड़ी चले बारे सक्षम है चंदे जैसे चंदे लेफ्ट से यागो को कॉल दे बॉल को पठाई चंदे जब से नंबर 3 तीन नंबर खिलाड़ी को पाए डीसी चंदेल रा सामान्य में टेक कोट दे चंदे हल्का सा गुरा चांद पाए गुरा चांद रो फिर से रामजीत सामान्य वाल पड़े पर चेष्टा रे जेहुडी भाव रे चेन अनुगम में देखि था चेन कॉम्बिनेशन सामान्य में देखबा को मिलु छे अप एंड डाउन सामान्य में बॉल को रिलीज देवे पुनः जर्सी नंबर 3 पाए तीन नंबर खिलाड़ी लखमन लोहार पुनः माइनस बास गुरा चांद रो टीम जर्सी नंबर 8 वाओ किंतु बॉल चली गई अपन टारगेट गोल लाइन बाहर को फिर से उस चाह दर्शक को निराश करीबे जर्सी नंबर 8 गुंडी लगातार काउंटर पर काउंटर बड़ा टीम भीतर रे नवा मैच चलवा करा तू धरी धर तलवार के बीच ये टक्कर देखने को मिला जिसका चाकू या चाकू तरबूज काटे या ना काटे ये देखना होगा भारी भरकम फुटबॉल टूर्नामेंट का एक हाईलाइट मैच है आज ग्रुप डी से मैच को खेला मुकाबला वो भी सबसे बड़ा टूर्नामेंट का आज देखने को मिलेगा। बॉल निमित्त था ये खेला माटी कोटे पारिन प्लेयर था रे डीसी चंडील डीसी चंडील लिखे यार बोल बेटा कि फिर से माटी कोटे हाफ लगे नहीं सुमनेंगे गलती हुआ कि कोनार की क्रिया फिर इशारा
कोमल भानु किसको पाए थे अंडों में से यीशु का प्राण विपद बेकार नहीं आगे ललित हो बाउट ना निमित्त टीम बाबा युद्ध कलाब कटक लगे थे फिल्चु युद्ध कलाब कटक लगे थे कजी कजी तक माइनस पास कप्तान रंजित मारने तारे उनकी चकात नहीं थी निकले चेक का रंजित मारने तारे के बॉल होल रखना पुनः हो लोपिंग बॉल के लिए मदद किने मनम प्लेयर बुरा चप लगे थे फिर से लखमाइन बॉल के लिए कर हल्का सा पास इंजर से नंबर आठ दिस इज चैंडेल डी बॉक्स ने जब का हमला ये रियंगे चेस्टा की डूबी फोड़ो आको फिर से बॉल ताई अगर आप फिर से लेफ्ट विंगर कर हेडर के लिए रन फिर से बॉल गुरा चांद चीप अगेन फिर से लेफ्ट हाफ डिफेंडर लगाने थे बॉल ताई अगर आप फिर से डिसी सेंडल राइट हाफ जर्सी नंबर थ्री लेफ्ट वनो लोहार तिकी ना करना खोल राजा माजी तिकी ना उद्योग से बॉल फास आप में आज करना फोर रोमांस कोई दिन तरह करना मैच रे फुल हो जर्सी नंबर फोर डिसी सेंडल एफ सी माइनस पास रामजीत मारने खोल जर्सी नंबर टू रेड सना लेकिन पुरास्तो आगे किन पलार कहते थे यही चेष्टा हल्का सा टॉस तो था भी इन प्लेयर के फुटबॉल में ना अनफील्ड रहने के लिए काफी पहाड़ रहे जर्सी नंबर सेवन रंजीत कौन बना हुआ भीतर ने पूरे कवरिंग परे कवरिंग दाया करा रोम टेकेल नियरेस्ट जोन संचालक कमल भानो किसको वन साउदे पॉल रियांगी सारा सेट पेरेस प्रेडाइरी की रैंगी चांस यदि रजत भाई कोई बात दर्शक पूरा निशब्द पूरा साइलेंट निश्चित भाव रे कारण व्यास आनंद रो सिद्धि प्रत्येक दर्शक बंधु कारण ये हो सी आखिर सब चारों इनपुट आट बाज रहे को प्रथम संक्रमण व्यास गढ़िया पार्श्व रे कटक थी बाबड़े अन्य पार्श्व रे ये संति जर कंट्रा नो भावी टीम साधु सिरासन कमाल जी लाख मर्द दे सरे वाल दे हो रहा लगी थी विपदे पारे इंसान जब पेनाल्टी जोन मोतरो हल्का प्रेसमेंट करा जाए जी गोयम को पार्श्व को वंगे गोयो मारने सिरासन को रोमजित को दबा पाए चेता साधु है वंगे साधु को पार्श्व पुनः से गोयम को पार्श्व को चाली जाए जी बाल जी वंगे गोयो सिरासन को राजा को देश रे डिफेंडर गुरासाम वरी गुरासाम कौन करी बे रन नितर समय ने परिवर्तन करी आ पाए आशा करिए सत्य मगे छोटे को पास जाए ग्लास मारो देश रे लोकमान लोकमान क्रॉस का भी पदे पा रहे सिरासन को टॉप कॉर्नर रे रखी बार प्रयास किंतु कैप्टन निराश रही बे बॉल को हल्का समय और सही तागो की बढ़ाई में पाई कटक तरफ से गोल की पर लक्की मांडी छाले दबे बले और रद्द रहो जी ओना तिल्ले हो पन ठावरे तबन कोड़ा भैया कोड़ों को पे अली या गहिर पतियों में ना कहते आस में ना आज आपे सरुन खड़े तो दर्शक करा पे और नवा अंजल रेन और भैया को तबन तिल्ले हो पन ठावर बांधो लेडीज गली खंड साहब पे तो भी दलाबों को डारे नंगे नजर अंदा जा आप दूर को डाटा राम मार्ट के बबर बोलर रोड आता था उससे खेल खां प्रियम मैच में सुबह राम का संचालक को मोल भानो किसको तेज बोल रहे हैं अगर फिर से डेसे चंदे लेफ्ट सी पांडा रे नंजर से नंबर एट कौन साधु मारनी जिन्दु को येल खिला नवा भोज दिसंबर में मेटंग पायर कड़ा कड़ा के मेटंग कड़ा सोमन मेटंग स्टार प्लेयर कड़ा के अधिकियां दिन इंजरी निकिन तहे करा जुदिन कालों मो लास्ट लास्ट सीजन रे नसे ना तीर रंग इंजरी दिया तें टूर्नामेंट कौन रेस की नहीं दिलिया और अकिना ब्लॉग रहो निश्चित हो अबे आमुगो ब्लॉग वीडियो में टंकिन बनाओ लेते हैं जे कमी दमी चास मास कमी दिया तें ऊपर बस्तो ताकि तहे करा हितु तहे नवा सीजन रे रंग मेटंग हाईलाइट टूर्नामेंट रे निजस्व डिसीज चैंडल लेने समिलो मेटन अधि बरागे एडवांटेज हिंदो साधो यमा के नितो बॉल की तो स्लेडिंग तो था भी बॉल निजो को डोलने साधु रेले इतमारो थार पे जगह तो पे गड़ा दासे की कौन सा का बॉल से लगा पुलाई बाहरे नसरा अधि दौड़ के पुआ डिसीज चैंडल कैप्टन अर्द सुपरनेट हो मेरा कुआं डिसीज चैंडल रेन अधिगान को नडिगान पूरे पूरी सुपरनेट जदि सपोर्टर विषय रे कहि बा बंधु दुई प्रकार सपोर्टर आसी थांते जदि आपन को के जने प्रश्न करे तो दुई केतो प्रकार ऑडियंस आसी थांते दुई प्रकार ऑडियंस गोटिए हला लो भाषा रे कहि बा ग्रुप ए सपोर्टेड गोटिए ग्रुप बी सपोर्टेड क दल एवं ख दल ए परी दुई टीम रो दुई प्रकार ऑडियंस आसी थांते फिर से बॉल को रखी सकते टीम बाबा पिल्चू युद्ध क्लब
हल्का सा लोपिंग बॉल लेपा पाए, लेपा बहुत चर्चित डायनामिक प्लेयर अटंती टीम कटक एफसी रो लेफ्ट फ्लैंक रो राइट फ्लैंक रो लेफ्ट फ्लैंक को साइड चेंज कर दे छथि लेफा किंतु 4 नंबर पहुंचिबा अगुआ बॉल चल जेबो टॉस लाइन बाहर को थ्रोइंग ले छथि छटिया किंतु बॉल चल जेबो फिर से टॉस लाइन बाहर को बैक टू बैक थ्रोइंग चांस नेबे बाबा दिलचो ये उत्कल आबे करा एवं लेफा कंट्रोल करि परिबे किने झंडा रे थे जेबो एति सगरी बॉल इज आउट प्ले रोहित सारा दिसे द गोल की के चांस रे बेटर से दिसे चंडेल एफसी दिसे चंडेल 500 रे फिर से राजा राजन को फाडर फिर से मिड फॉरवर्ड को दे छंती गोरा चांद मारडी को फाडर फिर से जर्सी नंबर बहुत बढ़िया जर्सी नंबर 4 को दे छंती गोए बॉक्स के बॉल चले जाए पारे आउट प्ले दिसा को एते सवरे पुनर आउ गुडे सवन न सुजक थ्री पाइबे दिसे चंडेल एफसी बॉल में ना आकर क्या फिर से जर्सी नंबर इरल नंबर कौन है 16 नंबर राजा राजा थे कि ना करना रे दिस इज एंडिंग बॉल में मार्किंग का दिन सिद्ध सड़कों मेजरिंग पास स्थाई करा सब मारने लगन की तो लेफा लेफा थे कि ना बेटा काउंटर हो होल्ड का करा कि जर्सी नंबर 3 लखमन थे हर जर्सी नंबर 6 बॉल के नौ का नहीं तो विप्लव थे कि ना करना करे विप्लव से था कि तोला स्केल फंटास्टिक एफर्ट देखा को पाई थे रजत भाई जे भरी भाव रे आमे नेशनल गुड़ी करे देखि थाई से भरी किंतु स्कूल रो बढ़िया किंतु काम दे और बहुत बहुत धन्यवाद और यहां पर कमाल का आज मुकाबला देखने को मिला है। अगर इसी के ढाप की बात क्या था तो पूरी तरीके से अपना आज शाम को छोड़ने के लिए दोनों ही टीम मेहनत करते हुए यहां पर इस संडिल और सामने है जो कि बाबा पिलचू यूथ क्लब है कटक और कमाल का मुकाबला लेकिन अभी तक जादू के पैरों में गेंद जादू ने जादू चला दिया यहां भारतीय तीन खिलाड़ी को पिट किया और मांड्रूस के लिए मौका हो सकता है पेनाल्टी जोन में हो लेकिन गोलकीपर से पहले डिफेंडर को भीड़ करने की आवश्यकता था लेकिन डिफेंडर को भीड़ करने में ना क्या आप फिर से एक एक करना की का मौका गुराज साहब कर्नर की का मौका लेते हुए बॉल किसी पास रजे दिखले नॉन जर्सी नंबर 3 के लिए और जर्सी नंबर 3 लक्ष्मण लोहार निराश हताशा खेल को रिसीविंग करने में नेग्लेक्ट किए थे और फिर से गेंद को छीन लिया गया गुनासांत के लिए गेंद को बाहर किया गया सामने है कप्तान और कप्तान को बुलाना पड़ेगा क्या यहां पर लंबा रफ्तार के साथ गेंद मांड्रूस के लिए मांड्रूस ओहो जिसका नाम पारे हैट्रिक गोल है एक टूर्नामेंट में जिन्होंने हैट्रिक गोल लगा था ये मांडू सुपर बोले कि आज इस ट्रिप मैच में शायद उसके पैरों से जादू देखने को मिला नहीं और गोल देखने को मिला नहीं और 10 नंबर फॉर यहां पर कोयो बॉक्स के और कोयो बॉक्स के पैरों से फिर से गेंद को छीन लिया गया साथ ही प्लेयर के लिए 10 नंबर 6 को गेंद देने के प्रयास किए थे यहां पर जो कि विप्लव के लिए उससे पहला पन्ने टीम डीसी संडल के पैरों पर गेंद 10 नंबर 16 जो कि राजाबाजी और राजाबाजी के साथ साथ प्लेयर वन टू वन कॉम्बिनेशन धीरे धीरे रंजित मार्टी कप्तान के लिए गेंद को मार किया गया मिड फॉरवर्ड के खिलाड़ी किसको देंगे पास ऑफ में साधु करिए और साधु ने दो दो खिलाड़ी को पिट किया शानदार कवरिंग के साथ और किसको देंगे पास रफ्तार के साथ आगे की ओर बढ़ाते हुए गेंद और शानदार स्किल के साथ गेंद आगे की ओर लेने से पहले ब्लॉक किया गया दर्शन नंबर 8 के लिए नंबर 1 के साथ है फिर से एंगल बनाना पड़ेगा साधु को एंगल जगह ढूंढना पड़ेगा शानदार स्किल लिफ्ट डाला और मांडू और कहते कहते एक लंबे उस लिंग के बाद और यहां पर एक हेड बॉल का इशारा और फिर पेनाल्टी और लाजवाब में डिसीजन यहां पर लंबे उस लिंग के साथ साथ एक फिल पेनाल्टी का मौका पेनाल्टी मिला किंगफिशर टीम को और इस के बाद रेफरी कमाल फारू जी के द्वारा साइड सीजन के साथ साथ एक फिल पेनाल्टी का ऐलान किया गया और यहां पर टीम नागुल संघ और काफी नागुल संघ निश्चित रूप से आज भी बाबा फिल सुयुत को अपेक्षा कटा के और यहाँ पर स्ट्राइकर को बुलाया जाएगा कौन जाएगा साधु को भरोसा किया कप्तान रंजित मार्डी पेनल्टी की और रंजित मार्डी ने बोल दिया कि साधु आप जाकर
इसे पेनाल्टी का मौका लीजिए। परेश यादव ने गेंद के साथ आगे की ओर और इसी के साथ एक फिल्म पेनाल्टी मिल चुका है टीम डीसी सर्किल को। साधु के ऊपर भरोसा, जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी को सौंप दिया कप्तान ने रणजीत मांडी। हालांकि रणजीत के पास भी वो टैलेंट है, वो अगर पेनाल्टी के हारे थे, अगर ग्राउंड के बारे में बात किया जाए, जिक्र किया जाए तो पेनाल्टी में काफी बार अपना नाम को छोड़ चुका है जो कि रणजीत मांडी। लेकिन कप्तान ने यहाँ पर भरोसा दिखाया है साधु के लिए और ये साधु लेकिन सैप किया था, लेकिन आखिरकार नेट के अंदर साथ किस्मत हुई है मेहरबान। साधु समा में समर्था क्यों निराश करने से पहले साथ किस्मत के साथ मिला और नेट के अंदर गेंद पहला सफलता। पेनाल्टी के माध्यम से साधे मुझे लग रहा है आज अगर बात किया जाए इससे पहले जो मुकाबला किया गया था जो कि मुकाबला में भी दो दो फील्ड पेनाल्टी मिला था, लेकिन इस टूर्नामेंट मैच में भी फिर से एक फील्ड पेनाल्टी मिला है। क्या कहना चाहेंगे बड़े भाई परमेश्वर जी, क्योंकि शायद आज किस्मत की मेहरबान हुई है। निश्चित भाव निश्चित भाव रजत बाबू तुम्हें लड़े मैच दर्शक जहां को मैंने प्लेइंग स्कोर साउथ किंगफिशर का प्लेयर नेचुरल पोजीशन जहां पर हेड बॉल बनवा एंड अदर बरन गलती हुई है कारण पे आप पे आज जो बोला नोआ लहरे ना मैच रे रजत बाबू तहां के मैंने ट्राई जे बारिया फिल प्लेटिंग और नोआ मैसान ने सा सीजन दिया गया तिया फिल प्लेटिंग ने हुई करा आड रंजित मारणी तक कंचा है फैन साधु मारणी को लगे बॉल फिर से बोलता है कि रंजित मारणी तक ना शूटिंग किंतु ऑफ द टारगेट गोल लाइन बाहर है। गोल के लिए रन चांस को दिया फिर से टीम बाबा पिलचू ये उत्कलाव कड़ा अरदास है रनिया टाइम मैच ग्रुप डी रे रन प्रथम राउंड से सब मैच प्रोफेसर आते उसरा बेन टेक्निकल बेन को होना बेन ट्रेन चिर गए गोल के बाहर किंतु के बॉल के भेजा का बाबा पिलचू ये उत्कलाव युद्ध भी हो चमत्कार ढंग रे किले राम से दिस इज चंडेल पहाड़ा खनन दिस इज चंडेल मेटल गोल देखो मारा का कना फील्ड प्लेंटी लेकिन जगह रे तो थारे बुझे ना का अनुपन मैच कम बैक ले ओरियन सिर्फ में टंग किक नोंकन हिजु दरकार टीम बाबा पिलचू युद्ध का लफड़ा गान मेटन सटे कम ने शॉट हिजु खन के मैच बोला बोर बंद लेवल लेवल हुई दरिया बोलता है कि फिर से राइट हाफ डिफेंडर किंतु लगा सीधा राइट विंगर माड्रोस लगाएंगे माड्रोस ने किया हल्का सा हेडर टच हेड बोलता है कि फिर से माड्रोस मुरमोट की नगा डालेंगे एसी चंडेल एफसी एसी चंडेल जर्सी नंबर 10 खोनांगे 7 नंबर कैप्टन रंजित मारणी रंजित मारणी खन फिर से लखमन लोहार खन पर से बोलता है फिर से मारोस पर बची पाके सीधा टीओ साधु मारणी सेंटर लहारी गोलकीपर चमत्कार चुपिंग के लिए माका आज जो बयान खेला गोलकीपर लक्ष्मी लक्ष्मी सेकंड जर्सी नंबर 31 बाय 40 लेकिन नजर करना ये लोग करना गोलकीपर जो है बाबा पिलचू युद्ध क्लब का तक पहाड़ खान मैं गुजारिश करना चाहूंगा आखिर में होता ही देना चाहूंगा कि कप्तान आप आके द्वितीय मंचे के में भी सख्यत करें प्रवीण एफ सिंह तटका बना में टीम कैप्टन है जवाई एफ सी डीवीएस स्पोर्टिंग आप चले आएंगे
टेक्निकल की करें, जल्द से जल्द आने के लिए कृपा करें। और इसी के साथ फिर से मैदान के अंदर फिर निगाह करेंगे, अभी तक क्या वापसी कर पाएंगे, लेकिन यहाँ पे फाउल के लिए जोर शोर मांग और इसी के साथ शिकार किया गया अभी संचालक कमल भानु किसको ने। और इसी के साथ ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो सकता है टीम बाबा पिलचू यूथ क्लब के लिए, बड़ा सुनहरा मौका बनता हुआ यहाँ पे करीबी करीबी डी बॉक्स से 8-6 मीटर बाहर रह गई और 45 डिग्री कोण बनाते हुए क्या गोल दाग पाएंगे यहां पे टीम लेपा। लेपा की काफी भरसामान खिला रहे हैं टीम अपना टीम के लिए, और लेपा थोड़ा सा हिदायत देते हुए कुछ खिलाड़ी को आप हेडर के लिए कर रहे हैं और शूटिंग सामने वाले कंप्लीटेड ऑल गोल लेके इंडिया में जब से नंबर 8 है। अच्छा खतरा को टालने में गुंडी मरणी ने अच्छा क्लियरेंस और खतरा को डाला, गोलकीपर आगे निकल आते हुए उनको भले भांति पता हो गया कि हम ऐसे भी हारेंगे यानी तीसरे भी हारेंगे, लेकिन कम से कम काउंटर किया जाए, काउंटर की उम्मीद हो रहा है यहाँ पे टीम अगर कम बैक चाहेंगे। चांस को दिया फिर से डीसी चंडी लेफ्टी पांडा सिंह को, गोलकीपर जी बोलिए किरा बोधे हंसदा दिखे और लंबा रिलीज लगा पहाटा रहे नहीं हुई राइट विंगर मानुष दिखे ने अड़ी बांग की नन चलाओ ले ना बोल से ना टॉस लाइन बाहर है और चपाट रहे गांव को दिया फिर से डीसी चंडी लेफ्टी निकभी नितो नितो जहां कोड़ा वो अब ये लिए बहाक बही जाके ना नो मैच रे दो डीसी चंडी ना मेंटन गोल रखिन बनाना करा और शर्माने नंगे लील दतो है ने चक्रे जहां टीम में ना किना बाबा पिलचू युद्ध क्लब है कटा मेटन गोल पचल रे 800 के दो आपे थे रे अधवा इंड ऑफ द होई सेल मैच की लोई ने गो आदे से चंडे सर एक गोल से जीता मैच और जब तो खुलन चेहरा और मौज खेलड़ दिखाओ का तेन जो तो होना